बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी चैनल एजुकेशन अपडेट्स। आज एक बड़ी अपडेट आप लोगों से शेयर करते चले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हायर एजुकेशन कमीशन के कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के नतीजे में जहां कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना इम्तहानी शेड्यूल तैयार कर रही हैं, वहाँ ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना इम्तहानी शेड्यूल जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना इम्तहानी शेड्यूल जारी कर दिया है। क्या इम्तहानी शेड्यूल है, क्या तरीकाकार है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली एजुकेशन वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने इम्तहानी शेड्यूल जारी कर दिया है। क्या तरीकाकार है, किस डेट को एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से होगा, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने अपना बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं। इसमें अगर हम चलें, फर्स्टली उन्होंने बताया हुआ है एंड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 31 मई 2020 को जो है वो एंड होंगी। समर ब्रेक 1 जून से 9 अगस्त तक जो है वो समर ब्रेक होगा, यानी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, एक मिनट, कंपनसेटरी क्लासेस हैं जो कि एक शर्तिया क्लासेस होती हैं, 10 अगस्त से 24 अगस्त तक होंगी। यहाँ पे नीचे एक लाइन आप रीड कर लें, प्रोवाइडेड कोविड-19 सिचुएशन गेट्स नॉर्मल टू अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू हैव रूम फेस टू फेस, यानी कि अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी तो हम जो है स्टूडेंट्स को फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी बुलाएंगे, जो कि 10 अगस्त से 24 अगस्त तक जारी रहेंगे। ये जस्ट एक शर्तियां हैं, अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होगी तो 10 अगस्त से आपकी फ़ेस टू फेस क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। अदरवाइज़ 10 अगस्त से 24 अगस्त भी आपका जो है समर ब्रेक में ही गुजरेगा। नेक्स्ट में सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन है जो कि 26 अगस्त से 6 सितंबर तक जारी रहेगा। नेक्स्ट, उन्होंने जो है कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि उन्होंने कहा है कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल एग्जाम जो कि पेपर बेस्ड होता है और एमसीक्यूज बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर रहें, यानी कि वो तैयार रहें। यहाँ पर अगेन आप लोगों को छोटा सा मैं एक पॉइंट रिपीट कर दूँ कि इसका क्या मतलब है। यूनिवर्सिटी ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसमें एक नोट है जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को हदायत जारी की हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों एग्जामिनेशन पर जो है मेथड उनके लिए तैयार रहें। जो एक ट्रेडिशनल है जिसमें पेपर बेस्ड जो पहले की तरह होता है उसी तरह एग्जाम होगा, अगर सूरत हाल कोरोना वायरस की बेहतर नहीं होती तो फिर जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा। नेक्स्ट, अगर लास्ट में हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन केस द यूनिवर्सिटीज बिफोर द स्टार्ट एग्जाम 23 अगस्त, यानी कि उनका कहना है अगर 23 अगस्त से पहले पहले एग्जाम होगा तो ट्रेडिशनल बेस्ड होगा, अगर जो है 23 अगस्त तक कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर नहीं रहती, यानी कि उसमें कोई सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो फिर 23 अगस्त के बाद तमाम एग्जाम जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। लास्ट पे उन्होंने एक पॉइंट से क्लियर किया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो है वो अपेयर नहीं हो सकते, कोई मजबूरी है, जैसे कि कुछ लोगों के पास जो है स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स नहीं होते, कुछ लोग जो हैं लोगों के पास जो है वो इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, कुछ जो ऐसे स्टूडेंट जो कि दूर दराज इलाकों से हैं वो ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि अपनी जो है इंटरनेट फैसिलिटी होने की वजह से या किसी भी अपनी मजबूरी की वजह से ऑनलाइन एग्जाम में अपेयर नहीं होते, तो उनको जो है जब यूनिवर्सिटी छुट्टियों के बाद ओपन होगी तब वो अपने जो है वो इम्तहान आकर दे सकते हैं। ये थी आज की बड़ी अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना इम्तहानी शेड्यूल जारी कर दिया है, तो अगर आप इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानी शेड्यूल की जो है अपडेट लेना चाहते हैं, जैसे ही वो अपडेट आएगी हम इसी चैनल पर आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशंस या फिर जो लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। अगर आप जो है वो किसी भी नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल करना चाहते हैं या फिर आपको मेडिकल या किसी भी क्लास के जो हैं वो नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम नोटिफिकेशन, जो भी हम नोट्स जो है वो यहाँ पे शेयर करेंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एजुकेशन अपडेट्स फॉर यू, आपने इंस्टाग्राम पे सर्च करना है, ये जो हमारा आइकन है वो आपके सामने शो हो जाएगा। हमारे अकाउंट को फॉलो करें और तमाम नोटिफिकेशन की कॉपी आप हासिल कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।